दोस्तों नमस्कार, इस वीडियो में हम देखेंगे पूरा उल्वेरिया मार्केट कैसे पहुंचना है, क्या क्या बर्ड्स है और क्या क्या प्राइस है। उल्वेरिया मार्केट अभी तक मैंने जहां भी विजिट किया है सबसे लो प्राइस का जो है बर्ड यहां पर आपको मिल जाता है। तो कौन कौन सा बर्ड है और यहां कैसे पहुंच सकते हैं, मैं यहां कैसे पहुंचा हूं और कब से मार्केट सुबह से स्टार्ट होता है, कितने बजे ख़त्म होता है और कौन कौन सा बर्ड यहां पर आपको मिल जाएगा, वो सारा कुछ डिटेल्स मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो वीडियो पर बने रहें, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ कॉकटेल पैकलेस, जो आप सामने देख रहे हैं 6000 का पेयर है। लुटिनो जो है वो आपको मिल जाएगा 1500 का पेयर। यहाँ पर फिशर आप देख रहे होंगे लबर्ड, जो कि आपको 900 का पेयर मिल जाएगा। गोल्डन जो है ये आपको मिल जाएगा येलो गोल्डन 1500 का, नॉर्मल गोल्डन जो होगा वो आपको मिल जाएगा 1000 का पेयर। ब्लैक कैप कुनूर यहाँ आप देख रहे हैं जो कि 6000 का पेयर है। मैं कैसे यहाँ तक पहुँचा था, चलिए मैं आपको वीडियो शुरू से दिखाता हूँ। दोस्तों मेरा होम टाउन है टाटानगर, तो टाटानगर से मेरा जो है यहाँ से स्टार्ट हो रहा है जर्नी। तो चलिए सबसे पहले लोकल ट्रेन मैंने पकड़ लिया है, जो कि लोकल ट्रेन यहाँ पे 6 बज करके था। 6 बजे से वेट करने के बाद ये ट्रेन जो है 7 बजे आया है और ये मुझे पहुँचाएगा 3 घंटे में खड़गपुर। रात के 10:54 हो रहे दोस्तों और अभी मैं हूँ खड़गपुर रेलवे स्टेशन पर। यहाँ से जाना है उल्वेरिया, तो ये देखिए के बाद उल्वेरिया मार्केट जाना है जिसके लिए सुबह ट्रेन है। यहाँ से देख लीजिए पूरा, अभी ट्रेन जस्ट आया है और खड़गपुर रेलवे स्टेशन ये है। चले थे हम वहाँ से 6 बजे, ये लोकल ट्रेन है खड़गपुर टाटा, ये देखिए लिखा हुआ है टाटा खड़गपुर, और ये लोकल ट्रेन से ही आए थे और फिर उसके बाद जाएंगे उल्वेरिया पेट मार्केट। खड़गपुर रेलवे स्टेशन इसके बाद जाना उल्वेरिया, जो कि सुबह में ट्रेन है, तो अभी यहाँ पर रुकना पड़ेगा कुछ टाइम तक। ये देखिए दोस्तों खड़गपुर का रेलवे स्टेशन का ये बाहर का है, तो अभी हम खड़ा है खड़गपुर रेलवे स्टेशन में और रात का बज रहा है 11, रात का 11 बज रहा है लगभग। वहाँ से 6 बजे और ट्रेन पहुँचा है 10:30, तो लगभग 11 बज चुका है। फिर यहाँ वेट करना है, वेट करने के बाद फिर सुबह जो है 3:05 पर जो ट्रेन है वो फिर सुबह 6 बजे पहुँचाएगा उल्वेरिया, यानी कि 3 घंटा वहाँ पहुँचने में, और यहाँ जो वेट करना है 11 बजे से 3 बजने तक वो हमको वेट करना पड़ेगा, उसके बाद ही जा सकता है। चलिए अभी चलते हैं, थोड़ा सा टाइम है तो इधर उधर भटकते हैं, मतलब स्टेशन में ही बाहर नहीं जाएंगे और फिर उसके बाद आ जाएंगे। तो दोस्तों अभी आप देख सकते हैं रात का जो है 1:30 बज रहा है, 1:32 हो रहा है, 11 बजे आ गए थे, 1:32 अभी हो रहा है। अभी बहुत ही ज़्यादा टाइम बिताना बाकी है और लोकल गाड़ी जो है वो आने वाला है 3 बजे, तो 1.5 घंटा अभी जो है टाइम बचा हुआ है, वो 1.5 घंटा और यहाँ पर टाइम वेस्ट करने के बाद उसके बाद जो है पहुँचेंगे उल्वेरिया रेलवे स्टेशन, वहाँ से फिर पेट मार्केट पहुँचेंगे बहुत ही जल्दी। अभी बज रहा है 1:32। अभी है रात का सफर है, रुकना ही पड़ता है। इस ट्रेन का अगला स्टेशन उल्वेरिया। अभी लोकल ट्रेन ये पार हो रहा है और हम उतर चुके हैं उल्वेरिया में, ये उल्वेरिया का स्टेशन है। यहाँ पहुँचते पहुँचते सुबह का जो है 6 बज चुका है लगभग, तो अभी भी थोड़ा अंधेरा है, बारिश भी हो रहा है, तो देखते हैं आगे का कैसा रहता है। रेलवे स्टेशन में उतरने के बाद दोस्तों वहाँ से 10 रुपये वाला टोटो वाला लेगा, तो इतना ज़्यादा बारिश हो रहा था कि वीडियो रिकॉर्ड करना नहीं हो पा रहा था, तो मैं उतर गया हूँ जहाँ पे उतरना चाहिए। 10 रुपये लेगा, आप बोलिएगा बर्ड मार्केट हमें जाना है तो आपको पहुँचा देगा एकदम। ये जो गली आपको दिख रहा है ना, इसी गली में आपको अंदर जाना है, सामने ही बर्ड मार्केट है, तो 10 रुपये में आप यहाँ। अभी मार्केट लगा नहीं है, लगने वाला है, बारिश के कारण जो मार्केट है पूरा जो है गीला हो चुका है। देखिए नीचे जो फर्श है वो पूरा मट्टी का है, तो पूरा ग्रामीण क्षेत्र जैसा इलाका है ये, ठीक है। तो यहाँ जब जाते हैं तो 7 बजे से मार्केट लगेगा बारिश के समय, वैसे अब 6 बजे से स्टार्ट हो जाता है मार्केट। तो अभी कादो कीचड़ भी देख लीजिए इस तरह का हो गया है, इसमें बर्ड परचेज करना भी मुश्किल हो जाता है। और यहाँ पर कितना दुकान है तो मैंने काउंट किया, मुश्किल से 6 से 7 दुकान है, 7 दुकान मुश्किल है, 6 दुकान ये आप मानिए, 6 दुकान से ही आपको जो है बर्ड जो है परचेज करना पड़ेगा। तो ये थोड़ा सा यहाँ पर माइनस पॉइंट है, जैसे गली स्ट्रीट जाते हैं तो वहाँ आपको लगभग 20 से 25 दुकान देखने को मिलता है, यहाँ पे 5 से 6 दुकान बारिश हो जाने के कारण कभी 3 दुकान लगता है, कभी 4 दुकान, और अगर अच्छा मौसम रहेगा तो 5 से 6 दुकान लगे। हाँ, थोड़ा सा बर्ड का रेट यहाँ पर थोड़ा सा आपको कम मिल जाता है। यहाँ पर देखिए कि पैकलेस कॉकटेल जो आपको दिख रहा है, ऊपर एक टूपाल कॉकटेल भी है, यहाँ पे लुटिनो आपको दिख रहा हो, तो सबका मैं एक बार रेट बता दूँ। यहाँ ब्लैक जावा का जो रेट है वो 300 का पेयर है, वाइट जावा जो है 500 का पेयर है। लुटिनो कॉकटेल नीचे जो देख रहे हो 1500 का पेयर है, ब्लैक वाला कॉकटेल जो देख रहे हैं नीचे में ही लुटिनो के साथ जो है वो है 1400 का पेयर। नीचे जो पिजन आप देख रहे हैं लगभग ये 1000 से 1200 का पेयर मिल जाएगा, और वाइट वाला जावा का मैंने आपको बता दिया। लुटिनो जो है यहाँ पर 1600 का पेयर है,
जो भी वर्ड उसमें था कॉकटेल, ये देखिए ऊपर पैचलेस जो व्हाइट वाला है सिंगल जो आप देख रहे हैं वो 6000 का पेयर है। इसी का एक पल्प आइट था फीमेल, वो मैंने लिया लगभग 2000 का पड़ा और चार पीस उसमें बर्ड था, यानी कि जो भी आप ऊपर देख रहे हैं कॉकटेल जो ऊपर में रखा हुआ है वो पूरा मैंने परचेज कर लिया। कैसा हालत है यहाँ पे ये देख लीजिए, खादो कीचड़ जो है पूरा भरपूर है बारिश होने के कारण, क्योंकि बारिश तो मैंने आपको दिखाई दी है काफ़ी भयंकर बारिश हुआ था और थोड़ा सा बारिश रुका है, और बारिश होने से देखिए छाता इस तरह का लगाए हुए हैं ताकि बारिश हो तो बर्ड्स जो है वो गीला ना हो। और ये जो थैला देख रहे हैं मेरा ही थैला है, और इधर साइड एक दुकान है सबसे सामने में, वहाँ आपको थोड़ा सा लो क्वालिटी का बर्ड मिलता है, उधर मत जाइएगा। और यहाँ पर जो भी दुकान है सब ठीक ठाक है। ये देखिए ये जो मार्केट में लगता है सबसे आगे तरफ, वहाँ से बर्ड मैंने नहीं परचेज किया, बाकी सभी जगह से मैंने बर्ड परचेज किया, सभी का जो है व्यवहार अच्छा है। लेकिन सामने जो सीधा मैंने आपको दिखाया ना, वहाँ आप जाइएगा तो फंस जाइएगा। नीचे देखिए खादों की जड़ इतना ज़्यादा था कि चलने में मुश्किल हो रहा था। तो यहाँ पर गोल्डन फिंच है, लब्बड है, लब्बड 1000 का पेयर है, गोल्डन फिंच जो है येलो वाला 1500 का है, ब्लैक कैप कुनूर 6000 का है, नॉर्मल कुनूर जो है वो यहाँ पर 4000 3500 का पेयर है। ये देखिए बारिश होने के बाद ऐसा हालत हो जाता है, जो वीडियो बनाने आते हैं उनको वीडियो बनाने के लिए लोग मना करते हैं, तो अगर आप वीडियो बनाने के मकसद से अगर कोई आ रहे हैं यूट्यूबर तो थोड़ा सा आपको दिक्कत होगा। ये देखिए मार्केट अभी लगा भी नहीं है, सुबह का मैं आपको दिखा रहा हूँ, वैसे मैंने आपको पहले थोड़ा सा देर का भी दिखाया, उसका अर्ली मॉर्निंग का दिखा रहा हूँ। इस तरह का पूरा खाली इलाका रहता है, यहीं पर ही मार्केट लगेगा। बारिश हो रहा था तो थोड़ा देर मैं भी वेट कर रहा था। ये देखिए इसी जगह मार्केट लगना है, धीरे धीरे स्टार्ट हो रहा है। सुबह का समय लगभग 7 बजे जो है ये लोग स्टार्ट करते हैं मार्केट लगाना, और लगते लगते जो है 8 बज जाता है। कुछ भी अभी, और मुझे यहाँ से निकलना भी था जल्दी, तो मैंने जल्दी जल्दी बर्ड जो है परचेज कर लिया। मैं तो पहले ही से ऑर्डर दे करके गया था, तो यहाँ पर रोजी जो लब्बड़ था वो 400 का पीस मिल रहा था, यानी कि 800 का 700 का पेयर। उसके बाद मैंने परचेज करने के बाद जो बर्ड परचेज किया मैंने, ये तो मैंने फिर टोटो ले लिया था, टोटो वाला जगह के 10 रुपये लेकर के यहाँ लाया था, तो 10 रुपये लेकर के स्टेशन भी छोड़ देगा। तो जो जो मैंने बर्ड का आपको रेट नहीं बताया, तो मैंने बहुत सारा बर्ड परचेज किया, तो अभी घर चलते हैं और सभी का बर्ड का मैं आपको रेट भी बताऊँगा और एक करके दिखाऊंगा भी, क्योंकि वहाँ पे वीडियो बनाना जो है वो अलाउड नहीं है। जो वहाँ बंगाल के लोग हैं जो बंगाली वर्ड बोलते हैं जो उनके फ्रेंडली हैं उनको ही रिकॉर्ड करने देते हैं, अनदर पर्सन को रिकॉर्ड करता है तो उनको बिल्कुल मना करते हैं। तो मैंने वहाँ पे रिकॉर्ड ज़्यादा नहीं किया, मैंने बस आपको जानकारी दे दी। और जो जो बर्ड्स है नॉर्मल प्राइस पर ही आपको मिल जाएगा, जो आपको लोकल मार्केट में मिलता है उससे 100-200 रुपये कम आपको वहाँ पर मिलेगा। प्लस ये जो परेशानी मैंने आपको दिखाया जाने आने का, और देखिए मैंने बहुत सारा कुनूर वहाँ से परचेज किया है, ये सब कुनूर जो है मुझे पड़ गया है क्योंकि मैंने ज़्यादा लिया बल्क में, तो सब देखिए डबल रेड फैक्टर का कुनूर है, मेल फीमेल करके उसने दिया। देख लीजिए रेड फैक्टर कैसा है, आप देख सकते हैं रेडनेस कितना है, और इसको मैंने कोई कलर बूस्ट नहीं किया है, नेचुरल कलर मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर मैं चाहता तो कलर बूस्ट कर सकता था वीडियो में, लेकिन ऐसा नहीं है, नॉर्मल ही मैं आपको दिखा रहा हूँ। भाई कोई भी कलर बूस्ट करके वीडियो अच्छा लगे ऐसा मैं नहीं चाहूँगा, बिना कलर बूस्ट का जो रियल चीज़ है बस मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसका जो पेयर मुझे पड़ा है 2000 का पड़ा है। किसी को परचेज करना हो तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में नीचे तो ऐसे ही दे पहले भी दे चुका हूँ, और इसके ऊपर मैंने पहले ही वीडियो बना दिया है, कुनूर जो मैं लेकर के आया था फर्स्ट मैंने वीडियो बना दिया था सेल के लिए मैं है। तो मैंने बल्क में लिया है तो 2000 का पेयर ये सेल में करूँगा, जिनको भी लेना हो वो मुझसे ले सकते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, डिस्प्ले पर मैं अभी लिख दूँगा। कॉन्टैक्ट करने से पहले आप व्हाट्सअप कर लीजिएगा, और मैंने क्या क्या परचेज किया वो मैं आपको दिखाऊंगा, और साथ में आपको प्राइस भी मैं बताता चलता हूँ। ये देखिए रेड फैक्टर कितना रेड है, आप देख सकते हैं डबल रेड फैक्टर है, और कुछ होता है हाइपर रेड फैक्टर, तो हाइपर तो नहीं है लेकिन एकदम 100% डबल रेड फैक्टर मेल फीमेल जो है आपको करके मैं दे दूँगा अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से। और DNA अगर किसी को कराना हो तो सभी के लेग में जो है रिंग है, वहाँ से आप DNA भी करा सकते हैं। DNA में वही आपको 600-700 रुपये एक्स्ट्रा खर्चा पड़ता है, आप इसको रख करके भी देख सकते हैं घर में, 1-2 महीना रखेंगे तो आपको सही में सब पता चल जाएगा कौन सा मेल है कौन सा फीमेल है। तो वैसे ही मैं ऑब्जर्व करके किसी को लेना होगा तो 2-4-10 मिनट देखने के बाद पता चल जाता है एक्टिविटी से कौन सा मेल है कौन सा फीमेल, उस तरह से मैं लगा करके दे दूँगा। तो और जो मैं लेकर के आया, देखिए यहाँ पर आप ये देखिए ये 2 केज भी आप देखिए दोस्तों, ये भी मैं वहीं से लेकर के आया हूँ। ये देखिए एक लुटिनो का पेयर, यानी कि सिर्फ मुझे फीमेल चाहिए तो 2 फीमेल मैं लेकर के आया हूँ। और यहाँ पे देखिए पैचलेस, जो कि मैं काफ़ी टाइम से सोच रहा था परचेज करना, पल्प वाइट का एक फीमेल है और पूरा वाइट में देखिए एल्बेनो जिसको बोलते हैं वो है हमारा कॉकटेल। तो जो नॉर्मल कॉकटेल ब्लैक में वाइट फेस जो है ये 3000 का पेयर है, और ये प्योर वाइट है ये पड़ता है 6500 का पेयर DNA वाला, और विदाउट DNA मुझे मैंने लिया है तो मैंने इसका मेल ले लिया है, ये जो है ये मुझे पड़ा है 2500 का। और इसका देखिए पल्प वाइट का फीमेल जो बीच सेंटर में है ये मुझे पड़ा है 2000 का,
तो मैक्सिमम 4,500-5,000 का पेयर पड़ा है, इस तरीके से मिला करके मैंने लिया है। और लुटिनो जो है ये मुझे पड़ गया है 1500 का पेयर। तो ऐसा ही रेट रहता है, नॉर्मल रेट है, कोई ज़्यादा अप भी नहीं है ना ही लो है। आपको अगर ज़्यादा क्वांटिटी में लेना है तो आप जाकर के लेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, वैसे मार्केट से तो अच्छा ही बर्ड वहाँ मिलता है। ये देखिए मैंने ये जावा वगैरह भी लिया, तो जावा मुझे पड़ गया था 500 का पेयर। यहाँ पे आप देख लीजिए पाइनएप्पल कुनूर और येलो साइड कुनूर दोनों मिला करके मैंने 10 पेयर परचेज किया है। तो अभी मैं आपको वीडियो दे रहा हूँ। ये सब मार्केट जो है शनिवार को लगता है, शनिवार का टाइमिंग है सुबह 6 बजे से मान के चलिए 12 बजे ये एंड हो जाता है। तो जब भी आप पहुँचिए तो कम से कम 8 से 10 के बीच में आपको पहुँचना होगा ताकि आप सभी बर्ड को देख सकें। और ये जो है ये देखिए स्टार जो भी मैंने लेकर गया है, टोटल जो आइटम है इसमें मुझे खर्च पड़ गया मोटा मोटी आप मान के चलिए 30 से 35 हज़ार रुपये का। और ये देखिए मैंने अभी रख दिया है केज में। ये सभी सेल के लिए, आप कैसा क्वालिटी आप ज़रूर देख लीजिएगा, क्वालिटी अगर आपको अच्छा लगे कॉन्टैक्ट कीजिएगा। जमशेदपुर झारखंड का मेरा लोकेशन है और एक्जॉटिक बर्ड है तो इसको आप आसानी से घर में रख सकते हैं, कोई भी आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा। तो डिस्प्ले पे मैं अभी अपना नंबर दे रहा हूँ, ये देखिए रेडनेस कितना है। कोई भी मैं कलर बूस्ट भी नहीं कर रहा हूँ, पहला नंबर ये भी बता रहा हूँ कि कलर बूस्ट करके अच्छा दिखाया जा सकता है कि ज़्यादा हाइपर है यानी रेड जो है ज़्यादा है। बिल्कुल मैं नॉर्मल आपको दिखा रहा हूँ, किसी को भी लेना हो तो 2000 का पेयर मैं कुनूर बस में सेल करने के लाया हूँ। और इससे पहले मैंने आपको जावा दिखाया, वो मुझे फ्रेंड को देना था एक, और मैंने आपको जो कॉकटेल दिखाया वो मैं पर्सनली रखूँगा क्योंकि कॉकटेल का मुझे मन था लाने का, तो वो मैंने रख दिया है पर्सनल के लिए। ये सारा कुनूर जो है इसमें से एक दो पीस मुझे मन किया तो मैं रख लूँगा, एक दो केज खाली है, बाकी सभी को मैं सेल करूँगा क्योंकि इतना दूर जाने आने के बाद काफ़ी ज़्यादा खर्च हो जाता है, तो थोड़ा सा सेल अगर हो जाता है तो कुछ रिकवरी हो सकता है। तो जो भी बात है दोस्तों मैंने आपको खोल करके बताया, क्लियर बताया। तो ज़्यादा दूर अगर परचेज करने जा रहे हैं तो इस तरह से 20-30 हज़ार का माल अगर लाने जा रहे हैं बर्ड तो आप ले आइए। ये एक दो पैर तीन पैर के लिए जाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। आप लोकल मार्केट से ले सकते हो या फिर किसी के घर में ब्रीडर के पास से आप कर लेते हैं तो ज़्यादा अच्छा मिलेगा, क्योंकि मार्केट में से जो भी लोग बर्ड परचेज कर रहे हैं वो हमेशा कंप्लेंट करते हैं कि मार्केट का बर्ड ज़्यादा देर बचता नहीं है। कोलकाता का भी बर्ड ज़्यादा नहीं बचता ये भी मान के चलिए, लेकिन आप जब भी ले आ रहे हैं कहीं से तो चेक करके लाइए। देखिए मैंने कुनूर को लाने के बाद मैंने शिफ्ट किया था अपने बड़े केज में, एक एक करके मैं निकाल रहा था उस टाइम, मैंने रिकॉर्ड किया था ये वीडियो। तो ये छोटा मोटा जो है डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको दे दिया, उम्मीद है कि आपको वीडियो समझ में आ गया होगा कैसे पहुंचना है, क्या प्राइस है। और हमेशा प्राइस ऐसे ऊपर नीचे होते रहता है, और जो वहाँ के वीडियो बनाते हैं लोकल हैं वो अब अगर आप जाते हैं तो वीडियो आपको बनाने के लिए नहीं मिलेगा, तो जो वहाँ के लोकल हैं दादा दादा करके वीडियो बनाते हैं उनको वीडियो बनाने मिलता है। अगर आप जाएंगे परमिशन लेंगे तो भी आपको परमिशन नहीं मिलेगा। आप अगर बंगाल के हैं, अगर आपको बंगाली बोलने आता है तो हो सकता है कि आपको परमिशन मिल भी जाए। तो खैर ये तो मैंने आपको दिखा दिया, आप पर्सनली वहाँ ज़रूर जाइए और अच्छा मार्केट है, आप इसको ज़रूर विज़िट कीजिए। रेट भी कम है लेकिन इससे ज़्यादा अच्छा मार्केट है गलीफ स्ट्रीट, उसके बाद है श्रीरामपुर हाट, उसके बाद ही इसका उल्वेरिया का नंबर है मेरे लिस्ट में, बाकी आप अपने हिसाब से इसका डिसीजन ले सकते हैं। तो ये मैंने आपको दिखा दिया जो कुनूर में लेकर के आया था, मेरा नंबर भी नीचे डिस्प्ले हो रहा है। आप चाहें तो इसको परचेज करना चाहते हैं तो कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा, जमशेदपुर झारखंड लोकल के लोग के लिए ही है। अगर दूर से आप देख रहे हैं वीडियो तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। डिलीवरी मैं नहीं कर पाऊँगा, 10 पेयर 20 पेयर होगा तो हो सकता है मैं थोड़ा सोच भी सकता हूँ। तो ये देखिए अब मेरा टाइम हो चुका, मैंने सारा कुछ बता दिया आपको, तो मैं वीडियो यहाँ से एंड करके निकल रहा था मार्केट में, लास्ट वीडियो जो मेरा था। तो ये जो है देखिए डब 650 का पेयर बता रहे थे, बंगाली फिंच जो है 300 का पेयर। और यहाँ पे मैं वीडियो को समाप्त करता हूँ, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। और ये जो सेलर पीछे हैं ना बहुत अच्छे हैं, धन्यवाद।